असलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने तीन तरह की रिलायबिलिटी की टाइप्स डिस्कस की हैं। पहली टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताता है। दूसरी इंटरनल कंसिस्टेंसी के मेजर्स थे दो, एक का ऑल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी एंड द अदर वन वॉज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी को। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी हमें वहां पर इस्तेमाल करनी होती है जहां पर हमें लगे कि इस टेस्ट का कोई भी सेट रिस्पांस नहीं है, जो कि सेट ऑफ रिस्पांस नहीं है जो कि सही या गलत है, और ये इसमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव स्कोरिंग हो। वहां पर हम एक ही टेस्ट को मुख्तलिफ एग्जामिनर्स से स्कोर कराते हैं, जजमेंट उनकी जो होती है उसको हम एक जगह पर कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या सब एग्जामिनर्स ने सेम तरह से रेटिंग की है या स्कोरिंग की है। अगर तो सब एग्जामिनर्स की रेटिंग और स्कोरिंग सेम हो तो एट दैट टाइम हम कहते हैं कि इस टेस्ट की इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी है। लेकिन अगर स्कोरिंग या इंटरप्रिटेशन जो है वो हर एग्जामिनर की फर्क है, तो वहां पर इसका मतलब है कि इस टेस्ट की इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी कम है। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी का फायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि अगर मुख्तलिफ एग्जामिनर्स को ट्रेन करके ये टेस्ट उनको हैंडओवर किया जाए तो वो इसके स्टैंडर्ड तरीके से इसकी स्कोरिंग कर पाएंगे या नहीं। लेकिन इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी कहीं पर भी ये एक अल्टरनेट नहीं है और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का या अदर फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटीज का, बिकॉज ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को भी नहीं बता रही, ये स्टेबिलिटी ऑफ स्कोर्स को भी नहीं बता रही, लेकिन ये स्टेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मेथडोलॉजी को बता रही होती है कि कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने पे कोई भी एग्जामिनर को अगर ट्रेन कर दिया जाए और उसको ये सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज बता दिए जाएं, ये कॉन्सेप्ट बता दिए जाएं, तो वो उसको सही तरीके से स्कोर कर लेगा। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी इस चीज को श्योर करती है। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी के साथ साथ हमें टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी पता होनी चाहिए और दूसरी फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटीज, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी टेस्ट, वो भी पता होनी चाहिए। अगर हम देखें कि हमें कौन सी हमारी बेस्ट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी है तो देयर इज अ समरी। इसमें अगर हम देखें तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड में हम एक ही टेस्ट को दो दफा इस्तेमाल करते हैं और ये हमें चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताती है। लेकिन अगर हम अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी में मेथड में देखें तो अगर हम इमीडिएटली करते हैं तो जाहिर है वो दो फॉर्म्स होते हैं जो हम एक सिंगल सेशन में करते हैं, दैट इज नोन एज इमीडिएट अल्टरनेट फॉर्म टेस्टिंग। इसमें हम सोर्स ऑफ वेरियंस जो कि डिटरमिन कर सकते हैं, दैट इज आइटम सैंपलिंग को हम खत्म कर सकते हैं। आइटम सैंपलिंग की वजह से जो एरर आता है उसको खत्म करना चाहते हैं हम बेसिकली। उसके बाद आता है अल्टरनेट फॉर्म्स डिलेड मेथड, जिसमें कि हम दो फॉर्म्स को दो डिफरेंट सेशंस में जो है एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक तो हम एरर रिड्यूस कर सकते हैं आइटम सैंपलिंग की वजह से, दूसरा हम चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी देख सकते हैं। मतलब कि ये टेस्ट रीटेस्ट मेथड और अल्टरनेट फॉर्म इमीडिएट मेथड दोनों के जो है वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। जो नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट हाफ मेथड, उसमें एक ही टेस्ट फॉर्म होता है और एक ही सेशन में होता है एडमिनिस्टर, लेकिन ये इसके दो सेक्शंस होते हैं और इन दो सेक्शंस को हम उसको आइटम सैंपलिंग के एरर को रिड्यूस करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ स्प्लिट जो है हम डिटरमिन कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमने इसको डिफिकल्टी वाइज स्प्लिट करना है या हमने इसको जो है सिर्फ इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसमें मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं वो फैक्टर वाइज हमने उसको स्प्लिट करना है। इसके अलावा कोफिशिएंट अल्फा में हम एक ही फॉर्म को एक ही सेशन में एडमिनिस्टर करते हैं,
ये भी आइटम सैम्पलिंग बताता है, और टेस्ट हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी ये है कि डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज जो कि हमें टेस्ट में मिल रहे होते हैं, ये उस को उसकी वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल करता है। देन कम्स इंटर स्कोर रिलायबिलिटी। इसमें एक ही फॉर्म होता है, एक ही सेशन में ये एडमिनिस्टर होता है, और इसमें हम स्कोरर डिफरेंसेस को देखते हैं कि एक ही टेस्ट को अगर मुख्तलिफ स्कोरर्स रेट करें, स्कोर करें, तो उसमें किस तरह का डिफरेंसेस आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ रिलायबिलिटी के टाइप्स हैं, जिसमें से हमने सोर्सेज ऑफ वेरियंस, एरर वेरियंस, हम किसको कौन सी एरर वेरियंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, उसकी बेसिस पे हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें टेस्ट की रिलायबिलिटी किस फॉर्म में चाहिए। आज हमारा रिलायबिलिटी का जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, और हम उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।